हेलो दोस्तों, एप स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फायरबेस की मदद से एक शायरी एप्लीकेशन बनाएंगे। हम लोग पहले डेमो देख लेते हैं हम लोग क्या बनाएंगे। ये देखिए, हम लोग ऐसे एक शायरी एप्लीकेशन बनाएंगे और यहाँ पे चार कैटेगरी होगा, जहाँ पे हम लोग अगर रोमांटिक कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ टेक्स्ट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई लव यू 1 हो गया। ये हम लोग फायरबेस से रिट्रीव करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, मैं मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो पर आ गया हूँ। यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लूंगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दूंगा फायरबेस शायरी है। और मैं यहाँ पे मिनिमम SDK 21 लेके चल रहा हूँ, यानी कि लॉलीपॉप। और मैं यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, हम लोगों का प्रोजेक्ट तैयार हो गया। हम लोग पहले ये वाला प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपका एंड्रॉइड स्टूडियो पहले एक जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा और वही सेम जीमेल आईडी से आपका फायरबेस का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप फायरबेस के साथ आपका जो प्रोजेक्ट है उसको कनेक्ट कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो एक जीमेल आईडी से लॉग्ड इन है और यही सेम जीमेल आईडी से ही मैं मेरा फायरबेस का अकाउंट भी बनाया हूँ। सो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे ये वाला प्रोजेक्ट के साथ फायरबेस को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स पर और यहाँ से नीचे देखिए फायरबेस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक असिस्टेंट विंडो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप रन टाइम डेटाबेस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए सेव एंड रिट्रीव डाटा और यहाँ से कनेक्ट टू फायरबेस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखिए कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए, ये अभी पूछ रहा है कि आप कोई एग्जिस्टिंग फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं या आप एक नया फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। हम लोग एक नया बनाना चाहते हैं, सो मैं सिंपली इसके ऊपर इसको क्लिक रखूंगा और नीचे ये जो देख सकते हैं कंट्री, मैं कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सिंपली कनेक्ट टू फायरबेस, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, हम लोगों का कनेक्शन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रीन टिक आ गया, यानी कि कनेक्ट हो गया। मैं अभी आपको फायरबेस कंसोल पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ हम लोगों का कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं गूगल पर आ गया हूँ। यहाँ पे सिंपली सर्च करूंगा फायरबेस, यहाँ पे फास्ट वाला लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ऐसा एक विंडो ओपन होके आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके सिंपली आपका जीमेल आईडी शो करेगा, वहां से आप सेम जीमेल आईडी, जो जीमेल आईडी एंड्रॉइड स्टूडियो पे लॉग इन है, सेम जीमेल आईडी से आप एक अकाउंट बना लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा जीमेल आईडी दिखा रहा है, जो कि मेरा सेम जीमेल आईडी एंड्रॉइड स्टूडियो पर लॉग इन था। सो मैं सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट है। सो ये मुझे मेरा फायरबेस डैशबोर्ड पर लेके आ गया। आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आपका जो नेम हम लोग सिलेक्ट किए थे ऐप का नेम के सेम नेम, वही यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए, फायरबेस शायरी है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से डाटाबेस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए क्रिएट डाटाबेस। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, क्योंकि हम लोग एक टेस्ट पर्पस के लिए कर रहे हैं। सो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आप सिंपली क्या करेंगे, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अगर आप प्ले स्टोर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो। सो मैं सिंपली नेक्स्ट कर लूंगा और मैं सिंपली यहाँ पे डन कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फायर स्टोर खुल के आ गया। मैं सिंपली यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से रन टाइम डेटाबेस, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ से जाऊंगा रूल्स, इसके ऊपर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड फॉल्स है। मैं सिंपली इसको ट्रू कर दूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं। सो मैं सिंपली इसको ट्रू कर दूंगा, री ट्रू, और मैं सिंपली ये पब्लिश, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं अगेन जाऊंगा डाटा के ऊपर और यहाँ पे हम लोग का जो कैटेगरी है, यानी कि शायरी का कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पे शायरी को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो प्लस बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम देना होगा। मैं सिंपली एक कैटेगरी ले लेता हूँ जो कि होगा रोमांटिक। आपको ये वाला जो वर्ड है इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यही रोमांटिक कीवर्ड से ही पूरा का पूरा इसका अंदर जो भी शायरी है उसको एक्सेस करेंगे। सो ये वाला इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और मैं सिंपली ये वाला जो प्लस बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो चाइल्ड है उसको ऐड करूंगा। मैं सिंपली इसका नेम आर एस
वन कर देता हूँ, क्योंकि ये है रोमांटिक शायरी वन और इसके अंदर हम लोग शायरी ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं स्पेयर प्लस किया हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे एस लिया हूँ। देखिए ए एस जो लिया हूँ ए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे शायरी स्टोर होगा, यहाँ पे जो शायरी है उसका नेम एस है, यही एस नाम से ही हम लोग सारे शायरी को गेट करेंगे एक क्लास के मदद से। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रोमांटिक ए वाला और ए एस। आप यहाँ पे रोमांटिक ये है तो आपको कोड में ही रोमांटिक नाम से इसको हम लोग एक्सेस करेंगे, ये पूरा रोमांटिक वाला जो कैटेगरी है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, और ये जो एस है इससे हम लोग सारे शायरी को गेट करेंगे। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यू देता हूँ आई लव यू, और मैं सिंपली इसको वन कर देता हूँ क्योंकि हम लोग तीन तीन करके ऐड करेंगे, और सिंपली मैं ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट शायरी ऐड करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जो रोमांटिक है इसके प्लस बटन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे RS2, और यहाँ पे मैं नेम एस दे देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ आई लव यू टू, और मैं सिंपली ये ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट थर्ड शायरी को ऐड करते हैं, मैं सिंपली ये प्लस बटन इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं सिंपली लूंगा RST, और मैं सिंपली ये प्लस बटन इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे लूंगा एस और यहाँ पे दे दूंगा आई लव यू और यहाँ पे दे दूंगा और एड इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए हम लोगों का ये तीन शायरी ऐड हो गया जो की रोमांटिक के अंदर है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी को ऐड करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऐड करने के लिए मैं सिंपली इसके ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से शायरी का कैटेगरी ले लूंगा सैड, और इसका अंदर हम लोग ऐड करेंगे S1 यानी कि सैड शायरी वन, और ये वाला जो प्लस बटन है इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे लूंगा एस। ये देखिए हम लोग ये जो एस है वो ये सब में सेम ले रहे हैं, ये अलग है लेकिन ये एस सेम है, और सैड के ये जो कीवर्ड है इसी कीवर्ड से ही हम लोग ये सैड शायरी के सारे शायरी को गेट करेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू लूंगा ब्रोकन हार्ट और वन कर देता हूँ, इसको सिंपली ऐड कर देता हूँ। मैं ऐसे ही और दो ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने तीन सैड शायरी ऐड कर लिया हूँ, मैं सिंपली इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और नेक्स्ट कैटेगरी ऐड करते हैं। मैं यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ले लूंगा हैप्पी, हैप्पी को ले लेते हैं HS1 यानी कि हैप्पी शायरी वन, और यहाँ पे देते हैं एस। देखिए एस सब में सेम है और यहाँ पे वैल्यू लूंगा आई एम हैप्पी और इसको वन कर दूंगा और एड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और तीन ऐसे ऐड करते हैं। ये देखिए तीन हैप्पी शायरी ऐड हो गया। अभी इसको मिनिमाइज करते हैं और फोर्थ कैटेगरी को ऐड करते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ले लूंगा मोटिवेशनल, और सिंपली प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ले लूंगा MS1 और प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ले लूंगा एस। देखिए एस सबके लिए सेम है और वैल्यू लूंगा आई एम सुपर मोटिवेटेड और ये ऐड इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं और दो ऐड कर लेता हूँ ऐसे। ये देखिए मैं यहाँ पे तीन मोटिवेशनल शायरी भी ऐड कर लिया हूँ, मैं सिंपली इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हैप्पी है मोटिवेशनल है रोमांटिक है, ये एक एक की है यानी कि ये जो हैप्पी है इसी नाम से ही हम हैप्पी का सारा जो शायरी है को गेट करेंगे। सो फिलहाल इसका काम हम लोग का हो गया, हम लोग का एप्लीकेशन जब तैयार हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और हम लोग देखेंगे हम लोग शायरी कैसे यहाँ पे ऐड करते हैं, ये काम करेगा एज ए एडमिन पैनल। सो मैं अभी जाऊंगा एंड्रॉइड स्टूडियो पर, देखिए हम लोग का ये कनेक्टेड हो गया। नेक्स्ट आप क्लिक कीजिए एड द रन टाइम डेटाबेस टू योर ऐप, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजेस इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इसके ऊपर भी ग्रीन टिक आ गया और यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली। सो फिलहाल इसका काम हो गया, अभी हम लोग डिपेंडेंसी को देखते हैं कि वो कैसे ऐड हुआ है। सो मैं पहले जाऊंगा बिल्ड डॉट ग्रेडल ये जो मॉड्यूल ऐप है इसके ऊपर, और थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये फायरबेस का डिपेंडेंसी ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग ये शो कर रहा है, ये बोल रहा है ए न्यूअर वर्सन ऑफ com.google.firebase इज अवेलेबल है, और यहाँ पे जो वर्सन है 16.0.4 और जो नया वर्सन है वो 19.3.0। आप सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है चेंज टू 19.3.0 यानी कि ये बोल रहे हैं कि आप इसको 19.3.0 इसमें चेंज कर लीजिए। सो मैं सिंपली क्या करूंगा इसको एक्सेप्ट कर लूंगा और इसको कर दूंगा चेंज टू 19.3.0। आप इसको मैनुअली भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 19.3.0 मैं सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लूंगा।
ये देखिए, ये अभी हो गया 19.3.0 और ये वार्निंग जो था वो हट गया और मैं सिंपली सिंक नाउ इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, हम लोगों का सिंक फिनिश हो गया और यहाँ पे ये 19.3.0 ऐड हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बिल्ड डॉट ग्रेडल इसके ऊपर और यहाँ पे देखिए ये जो नीचे है गूगल डॉट जीएमएस डॉट गूगल सर्विस, यहाँ पे भी ये वार्निंग शो कर रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है चेंज टू 4.3.3। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और सिंक नाउ इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे भी ये वार्निंग शो कर रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग का जो ग्रेडल है वो 3.6.1 है और ये अभी जो वर्सन है 3.6.3। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये देखिए, हम लोगों का सिंक कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जो गूगल सर्विस है 4.3.3 वो ऐड हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी हम लोग जाएंगे एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल और यहाँ पे हम लोग डिजाइन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, एच फॉर आवर एफ फर्स्ट चार बटन बनाएंगे जहाँ पे चार कैटेगरी होगा। सो इसको डिजाइन करते हैं। मैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट ले लूंगा, रिलेटिव लेआउट, और मैं एक टेक्स्ट व्यू को यहाँ से हटा दूंगा। मैं इसके अंदर और एक लीनियर लेआउट ले लूंगा। मैं बाद में बताता हूँ मैं क्यों इसके अंदर और एक लीनियर लेआउट ले रहा हूँ, लीनियर लेआउट। और इसको मैं कर दूंगा मैच पैरेंट और मैं सिंपली यहाँ से इसको फिनिश कर दूंगा। इसका ओरिएंटेशन मैं सेट कर दूंगा और ओरिएंटेशन मैं कर दूंगा वर्टिकल और सिंपली इसमें मार्जिन ले लेते थोड़ा और मैं सिंपली मार्जिन लूंगा 25 dp। अभी इसके अंदर चार बटन ले लेते हैं। मैं फर्स्ट बटन लूंगा बटन और इसका विड्थ लूंगा मैच पैरेंट और हाइट लूंगा रैप कंटेंट और इसको मैं सिंपली यहाँ से फिनिश कर दूंगा। बटन का आईडी लूंगा आईडी और मैं इसका आईडी लूंगा रोमांटिक अंडरस्कोर बटन। नेक्स्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट और मैं टेक्स्ट लूंगा रोमांटिक। टेक्स्ट साइज ले लेते हैं टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट साइज मैं लूंगा 20 sp। और टेक्स्ट कलर ले लेते हैं टेक्स्ट कलर और मैं टेक्स्ट कलर लूंगा S6F। इसमें थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं, मैं पैडिंग लूंगा पैडिंग और मैं पैडिंग लूंगा 15 dp। मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, हम लोग का ये बटन है और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है रोमांटिक। अभी बटन का एक बैकग्राउंड ले लेते हैं बैकग्राउंड और मैं बैकग्राउंड लूंगा #60 1 2 3 4 5 6 और मैं 80 लगा दूंगा, यानी कि ये एक ट्रांसपेरेंट सा बटन हो जाएगा। नेक्स्ट एक स्पेस ले लेते हैं, मैं सिंपली लूंगा स्पेस और इसका विड्थ लूंगा मैच पेरेंट और हाइट लूंगा 15 dp और यहाँ से इसको फिनिश कर दूं, क्योंकि हम लोग जब और तीन बटन लेंगे दो बटन के अंदर हम लोग को एक गैप देखने को मिले, इसके लिए मैं ये वाला स्पेस ले रहा हूँ। सो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये बटन से यहाँ से स्पेस तक इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा Ctrl+C और नेक्स्ट यहाँ पे तीन बार पेस्ट करूंगा 1 2 3। देखिए, हम लोग का चार बटन तैयार हो गया और इसके अंदर एक गैप क्रिएट हुआ ताकि हम लोग सब बटन के बीच में एक स्पेस लिए। देखिए, स्पेस 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 और लास्ट वाला ये स्पेस का कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इसको हटा दूंगा। अभी देखिए, यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि सबका आईडी सेम हो गया। मैं सिंपली ये जो रोमांटिक है इसको हटा के कर दूंगा sad_button और इसका जो टेक्स्ट है इसको कर दूंगा सैड। नेक्स्ट यहाँ पे भी रोमांटिक बटन है, इसको मैं कर दूंगा हैप्पी बटन HAPPY और इसका टेक्स्ट को मैं हैप्पी कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर दूंगा मोटिवेशनल बटन और इसका टेक्स्ट को भी मैं कर दूंगा मोटिवेशनल। ये देखिए, चारों बटन तैयार हो गया। ये अभी ऊपर है, मैं इसको मिडिल पे लाऊंगा। सो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा रिलेटिव लेआउट पर और यहाँ पे मैं कर दूंगा लेआउट एंटर इन पेरेंट और मैं सिंपली इसको ट्रू कर दूंगा। ये फिर भी मिडिल पे नहीं आया क्योंकि हम लोग का जो विड्थ है और हाइट है ये मैच पेरेंट है। मैं सिंपली इसको कर दूंगा रैप कॉन्टेंट और हाइट को भी कर दूंगा रैप कॉन्टेंट। ये देखिए, ये अभी मिडिल पर आ गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट है, एक बैकग्राउंड ऐड करूंगा। मैं सिंपली डेस्कटॉप से एक इमेज को कॉपी करूंगा, ये वाला बैकग्राउंड, इसको मैं सिंपली करूंगा कॉपी और एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके और ड्रॉएबल के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट ओके। और यहाँ पे मैं सिंपली बैकग्राउंड और मैं बैकग्राउंड लूंगा ये वाला बैकग्राउंड। ये देखिए, हम लोगों का यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया। सो अभी हम लोगों का एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल का डिजाइन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हम लोग सिंपली जाएंगे ये वाला जावा के ऊपर और यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक पैकेज बना लेंगे, पैकेज, और मैं पैकेज का सिंपली नाम दे देता हूँ कैटेगरी।
और मैं सिंपली ये ओके के ऊपर प्रेस करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक पैकेज तैयार हो गया कैटेगरी नाम का। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो चार कैटेगरी है उसका चार क्लास बनाएंगे। सो मैं कैटेगरी के अंदर सिंपली राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू जावा क्लास बना लूंगा। और मैं सिंपली पहला जावा क्लास बनाऊंगा रोमांटिक, और मैं सिंपली ओके के ऊपर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए हम लोग का पहला जावा क्लास बन के आ गया है रोमांटिक। मैं ये वाला पैकेज बनाया हूँ ताकि हम लोग का सारा जो कैटेगरी का क्लास होगा वो एक ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। सो मैं यहाँ पे पैकेज बना लिया हूँ। मैं नेक्स्ट यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और नेक्स्ट क्लास बना लूंगा जिसका नाम मैं दूंगा सेट। मैं सिंपली ओके के ऊपर प्रेस कर दूंगा। नेक्स्ट इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करूंगा जावा क्लास और मैं यहाँ पे ले लूंगा हैप्पी और मैं सिंपली ओके के ऊपर प्रेस कर दूंगा। नेक्स्ट मैं कैटेगरी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, न्यू करूंगा जावा क्लास और नेक्स्ट क्लास ले लेते हैं मोटिवेशनल और मैं सिंपली ये ओके के ऊपर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए हम लोगों का अभी चारों क्लास तैयार हो के आ गया। हम लोग क्या बनाएंगे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं फिर से वो वाला एप्लीकेशन खोलूंगा। ये देखिए हम लोग का ये वाला चारों बटन है। अभी हम लोग चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होगा, यानी कि और एक एक्टिविटी ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ये सबके लिए सेम होगा, यानी कि मैं जब नेक्स्ट सेट के ऊपर क्लिक करूंगा इसके लिए भी सेम आएगा, मैं जब हैप्पी के ऊपर क्लिक करूंगा इसके भी सेम आएगा, और मैं जब मोटिवेशनल इसके ऊपर भी क्लिक करूंगा वो भी सेम आएगा। लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि हम लोग जब मोटिवेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तब हम लोग का मोटिवेशनल शायरी आएगा, जब हैप्पी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हैप्पी टाइप का शायरी आएगा, और सैड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सैड टाइप का शायरी आएगा, और रोमांटिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो रोमांटिक टाइप का शायरी आएगा। लेकिन ये जो डिजाइन पार्ट है वो सबका सेम होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन लेआउट बनाएंगे जिसका डिजाइन हम लोग सेम रखेंगे और ये जो सब कैटेगरी है उसके साथ उस कॉमन वाला लेआउट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो हम लोग कैसे करेंगे। मैं पहले जाऊंगा रोमांटिक के ऊपर और मैं पहले इसको सेटअप कर लूंगा। अगर रोमांटिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कॉपी पेस्ट करके ये बाकी तीनों को कर लेंगे। सो हम लोग सिर्फ रोमांटिक को देखते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लेआउट बना लेते हैं जो सबके लिए सेम होगा। मैं सिंपली जाऊंगा ये लेआउट के ऊपर और इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से न्यू और मैं कर लूंगा लेआउट रिसोर्स फाइल। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से एक लेआउट ले लेते हैं। मैं सिंपली इसका नाम दे दूंगा कॉमन, यानी कि कॉमन लेआउट, और मैं सिंपली ओके इसके ऊपर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए हम लोग का लेआउट बन गया। अभी फिर से चलते हैं रोमांटिक डॉट जावा के ऊपर और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं सिंपली इसको एक्सटेंड करूंगा एक्सटेंड्स, और मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अभी इसके अंदर एक ओवरराइड मेथड लेंगे। मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल ओ और यहाँ से मैं ऑन क्रिएट सर्च कर लूंगा ऑन क्रिएट। ये देखिए ये वाला मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए ये अभी तैयार होके आ गया। नेक्स्ट इसमें एक सेट कंटेंट व्यू ऐड करते हैं। मैं सिंपली लिखूंगा सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट, ये देखिए ये वाला लेआउट डॉट, और ये देखिए ये वाला कॉमन। ये देखिए यहाँ पे एक वार्निंग शो कर रहा है। ये वार्निंग है पहले एक क्लास था क्योंकि हम लोग इसको एक एक्टिविटी बना दिए हैं। सो इसको हम लोगों को मैनिफेस्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि हम लोग एक एक्टिविटी ऐड किए हैं। सो इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, बाकी तीनों को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ यही सेम। मैं पहले ये जो ओवरराइड मेथड है यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सबके लिए यही सेम होगा। सो कॉपी कर लिया। मैं नेक्स्ट जाऊंगा सेट के ऊपर और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर मैं जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी और मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। ये देखिए पेस्ट हो गया। यहाँ पे भी सेम वार्निंग शो कर रहा है और दोनों को मैं तैयार कर लेता हूँ। मैं हैप्पी के ऊपर जाऊंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से, और उसके अंदर भी मैं जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी। नेक्स्ट जाऊंगा मोटिवेशनल के ऊपर, तो एक्सटेंड करेंगे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से, और इसके अंदर भी सेम चीज मैं पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए हम लोगों का ये चारों अभी एक्टिविटी बन गया। सो इसको रजिस्टर करना पड़ेगा मैनिफेस्ट के अंदर। सो मैं सिंपली जाऊंगा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल यहाँ पर, और नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे मैं चारों एक्टिविटी को ऐड कर दूंगा। मैं सिंपली देखूंगा एक्टिविटी, और एक्टिविटी नेम मैं पहले दे दूंगा रोमांटिक, और यहाँ से इसको
फिनिश कर दूं। देखिए पहले वाला ऐड हो गया, नेक्स्ट सेट को ऐड करते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी नेम दे दूंगा सेट, तो इसको इसे फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नेम हैप्पी, और यहाँ से इसको फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट एक्टिविटी और एक्टिविटी मोटिवेशनल, इसको यहाँ से फिनिश कर दूंगा। देखिए हम लोगों का अभी ये एक्टिविटी मैनिफेस्ट के अंदर ऐड हो गया। मैं अभी सिंपली जाऊंगा रोमांटिक डॉट जावा के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे जो वार्निंग था वो हट गया। अभी हम लोग का यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जाएंगे कॉमन डॉट एक्सएमएल के ऊपर। ये वाला जो लेआउट है इसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल ऑल्ट और एल और इसको मैं रीअरेंज कर लूंगा। ये देखिए रीअरेंज हो गया। मैं सिंपली ये वाला जो लेआउट है इसको हटा के यहाँ पे ले लूंगा एक रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट इसके अंदर मैं और एक रिलेटिव लेआउट ले लूंगा, रिलेटिव लेआउट, और इसका विड्थ होगा मैच पेरेंट और हाइट होगा 350 dp, और उसको यहाँ से मैं फिनिश कर दूंगा। अभी ये वाला रिलेटिव लेआउट के अंदर मैं एक टेक्स्ट व्यू लूंगा। सिंपली मैं कर दूंगा टेक्स्ट व्यू, और मैं टेक्स्ट व्यू को कर दूंगा रैप कॉन्टेंट, और टेक्स्ट व्यू को यहाँ से फिनिश कर दूंगा। टेक्स्ट व्यू का एक आईडी ले लूंगा, आईडी ले लूंगा मैं सारी टेक्स्ट। ये वाला रिलेटिव लेआउट का एक आईडी ले लेते हैं पहले आईडी, और मैं इसका आईडी ले लूंगा रिलेटिव लेआउट, और ये वाला रिलेटिव लेआउट को सेंटर इन पेरेंट कर देते हैं। लेआउट सेंटर इन पेरेंट, और इसको ट्रू कर देते हैं। और ये वाला जो रिलेटिव लेआउट है इसका एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। मैं सिंपली ले लूंगा बैकग्राउंड, और इसका बैकग्राउंड लूंगा ये वाला ड्रॉएबल बैकग्राउंड जो हम लोग पहले लिए थे। ये देखिए ये वाला अभी हम लोग का ये वाला रिलेटिव लेआउट है, और इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट व्यू लिए हैं जो कि यहाँ पर है। मैं सिंपली एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट, और मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, सिंपली मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ TEXT। अभी टेक्स्ट को मिडिल पे लाते हैं। मैं सिंपली लिखूंगा लेआउट सेंटर इन पेरेंट, और मैं सिंपली इसको ट्रू कर दूंगा। अभी टेक्स्ट साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं टेक्स्ट साइज, और मैं टेक्स्ट साइज ले लूंगा 25 sp। अभी बड़ा हो गया। अभी टेक्स्ट कलर ले लेते हैं। टेक्स्ट कलर ले लूंगा हैश 60, यानी कि प्योर ब्लैक। ये देखिए हम लोग का ये वाला जो रिलेटिव लेआउट है इसका डिजाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम लोग जो बटन लिए थे चार, उसको डिजाइन करते हैं। सिंपली यहाँ से जो रिलेटिव लेआउट स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसके नीचे जाऊंगा और यहाँ पर एक लिनियर लेआउट ले लूंगा, लिनियर लेआउट, और मैं लिनियर लेआउट को लूंगा रैप कंटेंट, और यहाँ से इसको फिनिश कर दूंगा। लिनियर लेआउट को बिलो करते हैं बिलो, और बिलो ले लूंगा मैं ये वाला रिलेटिव लेआउट, यानी कि इसके बिलो। अभी लिनियर लेआउट का ओरिएंटेशन सेट करते हैं ओरिएंटेशन, और मैं ओरिएंटेशन ले लूंगा हॉरिजॉन्टल, और थोड़ा सा मार्जिन टॉप ले लेते हैं मार्जिन टॉप मैं लूंगा 10 dp। अभी ये वाला लिनियर लेआउट के अंदर चार बटन ले लेते हैं। मैं पहला बटन लूंगा बटन विद, लूंगा रैप कंटेंट, और मैं सिंपली यहाँ से इसको फिनिश कर दूंगा। मैं चारों बटन के लिए इमेज डेस्कटॉप पे रखा हूँ, उसको यहाँ से कॉपी करूंगा। ये देखिए नेक्स्ट प्रीवियस शेयर और कॉपी, चारों इमेज है, मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और एंड स्टूडियो में जाऊंगा, और रेस के अंदर ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट और ओके और ओके। यहाँ पे चारों बटन का इमेज ऐड हो गया। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा बैकग्राउंड, और पहला वाला हम लोग का होगा प्रीवियस, यानी कि ये वाला प्रीवियस। ये देखिए यहाँ पे विड्थ और हाइट हम लोग को चेंज करना होगा। मैं विड्थ ले लूंगा 70 dp, और हाइट ले लूंगा 50 dp। ये देखिए अभी ऐसा दिखेगा। अभी मार्जिन ले लेते हैं इसमें थोड़ा मार्जिन, और मैं लेआउट मार्जिन लूंगा 5 dp। नेक्स्ट मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, और तीन बटन बना लेते हैं कंट्रोल बी, 1, 2 और 3। देखिए चारों बटन बन गया। अभी मैं क्या करूंगा, पहले बटन का आईडी दूंगा आईडी, और इसका आईडी लूंगा प्रीवियस बटन अंडरस्कोर बटन। नेक्स्ट बटन का आईडी लूंगा आईडी, और मैं इसका आईडी लूंगा कॉपी बटन कॉपी अंडरस्कोर btn, और ये जो ड्रॉएबल प्रीवियस है इसको मैं कर दूंगा कॉपी। देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे कॉपी चेंज हो गया। नेक्स्ट बटन का आईडी लूंगा आईडी, और मैं आईडी लूंगा cr अंडरस्कोर बटन, और मैं यहाँ से इसको कर दूंगा cr, यानी कि ये वाला। ये देखिए यहाँ पे cr का इमेज आ गया। नेक्स्ट बटन का मैं आईडी लूंगा आईडी, और मैं आईडी लूंगा नेक्स्ट अंडरस्कोर btn, और इसका मैं बैकग्राउंड ले लूंगा नेक्स्ट। देखिए ये वाला नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको मिडिल पे लाऊंगा, यानी कि ये अभी साइड पे है, इसको मिडिल पे लाऊंगा। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा लिनियर लेआउट के अंदर मैं सिंपली लिखूंगा लेआउट सेंटर इन पेरेंट, उसको मैं ट्रू कर दूंगा। ये देखिए ये अभी मिडिल पे आ गया।
यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट ऐड करेंगे जो शो करेगा कि हम लोगों का शायरी का नंबर क्या है और हम लोग का कितना शायरी है। सो मैं सिंपली जाऊंगा एकदम ऊपर और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट के ऊपर यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ऐड करूंगा। मैं इसका उज लूंगा रैप कंटेंट और उसको यहाँ से फिनिश कर दूंगा। और इसका एक आईडी ले लेंगे, आईडी मैं आईडी ले लूंगा काउंट अंडरस्कोर टेक्स्ट टेक्स्ट, और मैं टेक्स्ट लूंगा 0/0। अभी इसको इसके ऊपर लाते हैं। मैं इसको सिंपली करूंगा लेआउट एबव, और एबव किसका एबव लूंगा, ये वाला रिलेटिव लेआउट। ये देखिए ये अभी यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसका साइज ले लूंगा टेक्स्ट साइज, और मैं टेक्स्ट साइज ले लूंगा 25 SP। टेक्स्ट कलर ले लेते हैं प्योर ब्लैक टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर लूंगा मैं S60। ये देखिए प्योर ब्लैक। इसको अभी मिडिल पे लाते हैं। मैं सिंपली लिखूंगा लेआउट सेंटर इन पेरेंट, और इसको मैं ट्रू कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा मार्जिन डाल देते हैं, मार्जिन लेआउट मार्जिन ये वाला, और मार्जिन देते हैं 15 DP। ये देखिए हम लोगों का कॉमन लेआउट अभी तैयार हो गया, यानी कि हम लोगों का कॉमन लेआउट का डिजाइन का पार्ट फिनिश हो गया। अभी हम लोग जाएंगे पहले मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर, और इसके रिगार्डिंग जो लेआउट है यानी कि एक्टिविटी मेन डॉट XML, ये चारों बटन को पहले इनिशियलाइज करेंगे और हम लोग देखेंगे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कैसे हम लोग सेम लेआउट के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे। मैं पहले जाऊंगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर, यहाँ से पहले चारों बटन को डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं सिंपली लूंगा बटन बटन, और मैं सिंपली पहले लूंगा रोमांटिक बटन, कोमा दे के नेक्स्ट लूंगा सैड बटन सैड अंडरस्कोर BTN, नेक्स्ट ले लूंगा हैप्पी बटन हैप्पी अंडरस्कोर BTN, नेक्स्ट ले लूंगा मोटिवेशनल बटन मोटिवेशन अंडरस्कोर बटन। हम लोग का चारों बटन डिक्लेयर हो गया। अभी क्या करते हैं, चारों बटन को फाइंड करते हैं। पहले मैं रोमांटिक बटन को फाइंड करूंगा, रोमांटिक बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, और इसके अंदर r.id. और हम लोग वहां पे लिए थे रोमांटिक बटन, ये देखिए ये वाला। नेक्स्ट सैड बटन को फाइंड करते हैं, सैड बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी और r.id.sad बटन, ये देखिए ये वाला। नेक्स्ट हैप्पी बटन को फाइंड करते हैं, हैप्पी बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी और r.id. और हम लोग वहां पे लिए थे हैप्पी बटन, देखिए ये वाला हैप्पी बटन। नेक्स्ट मोटिवेशनल बटन को फाइंड करते हैं, मोटिवेशनल बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और हम लोग वहां पे लिए थे मोटिवेशनल बटन, ये देखिए ये वाला। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो एक्सटेंड एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे view.onClickListener। ये देखिए ये यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि ये बोल रहा है मेथड इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं सिंपली यहाँ पे ये जो इम्प्लीमेंट मेथड है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और सिंपली मैं ओके के ऊपर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए अभी एरर हट गया और यहाँ पे एक मेथड तैयार होकर आ गया। मैं इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ये बटन को रजिस्टर कर लेते हैं। मैं पहले लिखूंगा रोमांटिक बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर पास करेंगे दिस। नेक्स्ट सैड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर पास करेंगे दिस। नेक्स्ट हैप्पी बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर पास करेंगे दिस। नेक्स्ट मोटिवेशनल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर पास करेंगे दिस। अभी नेक्स्ट ये ऑन क्लिक मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे लूंगा स्विच, ये देखिए ये वाला स्विच, और यहाँ पे लूंगा वी डॉट, यानी कि ये जो वी है ये वाला वी डॉट गेट आईडी, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और इसके अंदर लिखेंगे केस, और केस क्या होगा अगर r.id.romanticbutton, यानी कि ये वाला बटन का जो आईडी है ये वाला रोमांटिक बटन और कोलोन। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इंटेंट, इसका नाम मैं इंटेंट 1 कर देता हूँ, इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लेंगे इंटेंट, और इसके अंदर पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और कॉमा देके हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं रोमांटिक डॉट क्लास, सेमी कोलन लगा देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर पास करेंगे इंटेंट 1, और नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे ब्रेक। नेक्स्ट केस, और यहाँ पे होगा r.id. नेक्स्ट कौन सा बटन, सैड बटन, देखिए ये वाला सैड बटन, कोलन लगा देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे इंटेंट, और मैं सिंपली इसका नाम ले लूंगा इंटेंट 2 इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा देके सेट डॉट क्लास, सेमीकोलन लगा देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, इसके अंदर पास करेंगे इंटेंट 2, और सिंपली यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे ब्रेक। नेक्स्ट केस,
r.id.happy बटन, यहाँ पे कोलोन और यहाँ पे करेंगे इंटेंट, और मैं इसका नाम ले लेता हूँ इंटेंट 3 इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इसके अंदर पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस और कॉमा देके हैप्पी डॉट क्लास, सेमी कोलोन लगा देंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और सिंपली मैं इंटेंट 3 को पास कर दूंगा इंटेंट 3, और यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा ब्रेक। नेक्स्ट केस r.id.motivational बटन वाला कोलोन इंटेंट, और इसका नाम मैं ले लूंगा इंटेंट 4 इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इसके अंदर पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा देके मोटिवेशनल डॉट क्लास, सेमी कोलोन लगा देंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं पास कर लूंगा इंटेंट 4, और मैं सिंपली ब्रेक लगा लूंगा। हम लोग का बहुत सारा कोड हो गया, अभी मैं सिंपली ए वाला कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ। सो मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। ये देखिए हम लोग का एप्लीकेशन तैयार होके आ गया, यहाँ पे चारों बटन दिखा रहा है। मैं सिंपली रोमांटिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कॉमन लेआउट खुल के आ गया। मैं नेक्स्ट इसको बैक करता हूँ और सेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी सेम कॉमन खुल रहा है। हैप्पी के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए सेम लेआउट खुल रहा है। नेक्स्ट मैं मोटिवेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए सेम लेआउट खुल रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे रोमांटिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे रोमांटिक शायरी शो करेगा। सेम अगर सैड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सैड शायरी शो करेगा। सेम यहाँ पे हैप्पी के ऊपर और मोटिवेशन के ऊपर सेम। वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग फायरबेस से शायरी कैसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड आप ऐप स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।